यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। तो इसी बीच रुक करेंगे यमुनानगर का, जहां से इस वक्त की बड़ी खबर है। हरियाणा रोडवेज वर्कर्स यूनियन का प्रदर्शन लगातार जारी है। अपनी कई मांगों को लेकर उनकी ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है। पहले भी उनकी मांगों को पूरा करने का आश्वासन उन्हें दिया गया था, जिसके बाद अभी तक सरकार की ओर से ध्यान वर्कर्स पर नहीं दिया जा रहा, उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। साथ ही आपको ये भी बता दें कि सरकार की ओर से आश्वासन कहीं ना कहीं उन्हें पहले दे दिया गया था, लेकिन अभी तक उनकी मांगों को नहीं माना गया और अपनी मांगों को लेकर लगातार उनकी ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है। हरियाणा रोडवेज वर्कर्स यूनियन का प्रदर्शन लगातार जारी है और अपनी मांगों को लेकर वो प्रदर्शन अभी तक कर रहे हैं। साथ ही आपको ये भी बता दें कि पहले उनकी मांगों को पूरा करने का आश्वासन भी सरकार की ओर से दे दिया गया था, लेकिन अभी तक सरकार की ओर से ध्यान उनकी मांगों पर नहीं दिया गया, उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया। तो कहीं ना कहीं वादा खिलाफी सरकार की ओर से की जा रही है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे। पवन शारदा हमारे संवाददाता यमुनानगर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पवन शारदा, हरियाणा रोडवेज वर्कर्स यूनियन का ये जो प्रदर्शन लगातार जारी है, इसे लेकर क्या कुछ अपडेट आपके पास है? जी, हरियाणा रोडवेज कर्मचारी जो है आज जो है 10 से 12 बजे तक प्रदर्शन करेंगे जी। उनका कहना कि हमारी जो मांग थी उनको अभी एक तो पूरा नहीं किया और जो मांग मानी गई है उनको लागू नहीं किया गया। जब तक नहीं करेंगे हम प्रदर्शन जारी रखेंगे। जी जी बिल्कुल पवन शारदा, तो ऐसी कौन कौन सी मांगे थी जो सरकार द्वारा उनकी मान ली गई थी जिन्हें अब तक पूरा नहीं किया गया? उनमें ऐसा है जैसे कच्चे कर्मचारियों वाला था या और प्राइवेट बसों वाला भर्ती का मामला था, उन सभी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पवन शारदा तमाम जानकारी देने के लिए। तो हरियाणा रोडवेज कर्मचारी का प्रदर्शन लगातार जारी है, रोडवेज वर्कर्स यूनियन का प्रदर्शन लगातार जारी है और उनका कहना है कि सरकार की ओर से उनकी मांगों को मानने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। इसी बीच रविंद्र सिंह रोडवेज कर्मचारी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रविंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबरें अभी तक पर। रविंद्र जी, आप आवाज सुन पा रहे हैं? वर्कर्स यूनियन का ये जो प्रदर्शन लगातार आपकी ओर से किया जा रहा है, अपनी मांगों को लेकर आप प्रदर्शन कर रहे हैं, तो आगे क्या कुछ रणनीति आपकी ओर से अपनी आई जाएगी, क्योंकि पहले भी आपको आश्वासन दे दिया गया था जिसके बाद अभी तक आपकी मांगे पूरी नहीं हुई? अब की बार मैडम हमारा ये 27 दिसंबर 2017 जो हमारी बातचीत हुई थी की सरकार के साथ, वो सरकार ने 2 महीने का समय मांगा था कि हमारी हम आपकी सभी मांग को लागू कर दिया जाएगा, परंतु 2-3 मांगे लागू करने के बाद सभी मांगे हमारी पेंडिंग की पड़ी हैं। अभी तक सरकार ने कोई हमारी सुध नहीं ली और आज हम पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर रोडवेज का हर डिपो के ऊपर 2 घंटे का प्रदर्शन होगा सरकार के खिलाफ। वो सरकार की पोल खोलेंगे पूरी एन, और सरकार ने जो हमारे वादा खिलाफी की है उसका मुंह तोड़ पूरा जवाब देंगे और आज पूरा सरकार को चेताएंगे कि अगर जो समय रहते हमारी मांगे ना मानी गई तो आने वाले समय के अंदर एक बड़ा आंदोलन होगा जिसके लिए सरकार को तैयार रहना पड़ेगा। जी रविंद्र जी, ऐसी कौन कौन सी मांगे थी जिन्हें सरकार ने मान लिया था और अब उन्हें पूरा नहीं कर रही? ऐसे हमारी बहुत सी मांगे, हमारा एक उनके पास 17 सूत्री मांग पत्र गया हुआ है, उस मांग पत्र के अंदर हमारी कई मांगे ऐसी है, हमारी कैशलेस पॉलिसी है, कैशलेस पॉलिसी है जी। और कच्चे कर्मचारी पक्का करना है, नई वर्कशॉप में भर्ती करना है, खाली खाली पदों को भरने के लिए है जी। ऐसी हमारी कई मांगे हैं अहम जो कि हमारी मानी मांगे है सरकार ने, परंतु लागू नहीं कर सरकार। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र सिंह जी खबरें अभी तक के साथ जुड़ने के लिए। तो सरकार वर्कर्स पर ध्यान नहीं दे रही, ऐसा वर्कर्स का कहना है और हरियाणा रोडवेज वर्कर्स यूनियन का प्रदर्शन लगातार जारी है और उनकी ओर से अपनी मांगों को लेकर अभी तक प्रदर्शन किया जा रहा है।